बैंक की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होते बचा। दुर्ग के एक्सिस बैंक में लगे एसी का लोड बढ़ने से आगजनी की घटना घटी, जिसे दमकल की टीम ने काबू पाया। दुर्ग के जीवन प्लाजा स्थित एक्सिस बैंक में सोमवार को अचानक आगजनी की घटना हुई, जिसके चलते जीवन प्लाजा में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हुआ। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के अधीक्षक नागेंद्र कुमार ने बताया कि बैंक की लापरवाही के चलते आगजनी की घटना हुई। उन्होंने बताया कि बैंक में लगे एसी का लोड बढ़ने से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। यदि शीघ्र आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, दुर्ग के गंजपारा में जीवन प्लाजा स्थित है और वहाँ फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे उसको, ग्राउंड फ्लोर पे एक्सिस बैंक का वहाँ पे एक बैंक है और 3:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि वहाँ पे आग लग गई है। तत्काल हमारे 3 फायर एक्सटिंग्विशर को यहाँ से रवाना किया गया। मैं भी पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि आग तो बड़ी नहीं थी, लेकिन पूरा धुआं जो है उनके बैंक में फैला हुआ था। मैनेजर से पूछताछ के बाद पता चला कि उनके पैनल रूम में आग लगी थी और वायर वगैरह से धुआं फैलाया। नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ धुएं का नुकसान हुआ है। थोड़ा सा उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया समझ में आई है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में एक्सटिंग्विशर और फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं पाए गए थे। देखिए, एग्जिट होना चाहिए वहाँ पे, कम से कम 2 दरवाजे होने चाहिए थे और 2 दरवाजे न होने से वहाँ पे धुआं काफ़ी फैल गया था। अगर 2 दरवाजे होते तो शायद तेज़ी से जो है धुआं निकल गया रहता। फिलहाल हमने आग पे काबू पा लिया है और जल्दी ही स्मोक एग्जॉस्टर की मदद से धुआं निकाल लेंगे। हमारी तरफ से उनके जो ओनर हैं, बैंक के जो मैनेजर हैं, उनको नोटिस दी जाएगी और नोटिस देने के बाद उनसे कारण पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ और उसके बाद जो भी आगे की कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।